30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बीहड़ के दस्यु सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई है, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई है। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है।